अब बेस को स्टार्ट करने से पहले फिर से रिकॉल करें अपन ने कि बेस के बारे में अपन को क्या पता, अपन ने क्या जनरल इंट्रोडक्शन बेस के बारे में पढ़ रखा है। तो फिर से अपन दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कि आपने दो बेसिस पे पढ़ा है इसको, फिर से टेस्ट और टेस्ट के बेसिस पे। ओके, टेस्ट के बेसिस पे आपको ये पता है कि जो बेस होता है बिटर होता है। बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। ओके, और टेस्ट के बेसिस पे आपने क्या पढ़ा है, क्या हमने टेस्ट के बारे में जाना है? हम तो टेस्ट हमने सिर्फ आज तक अब तक लिटमस टेस्ट पढ़ा था नहीं, लिटमस पेपर टेस्ट में हमने क्या पढ़ा है, या लिटमस टेस्ट जो भी बोलो, लिटमस पेपर लिख दिया मैंने। तो लिटमस टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि बेस वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो कि रेड लिटमस को, पेपर होता है स्ट्रिप, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो होते हैं क्या, बेस। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हमको ऑलरेडी पता था, ठीक है। अब हमको आगे उसके बारे में पढ़ना है कि बेस क्या होते हैं, ठीक है, टेंथ के लेवल पे। ओके, नाउ कमिंग टू बेस, द डेफिनेशन ऑफ बेस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिनियस। अरिनियस के बेसिस पे हमने एसिड का कॉन्सेप्ट देखा था कि एसिड क्या होता है। एसिड वो होते हैं, रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, ठीक है, रिपीट नहीं कर रही, मैं रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप दोनों का डिफरेंस समझ पाए। सो अरिनियस के बेसिस पे हमने एसिड का, एसिड के लिए पढ़ा था कि जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। तो बेस के लिए अरिनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया अपना, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू अरिनियस, अरिनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे कोई भी कंपाउंड, अभी मैं कंपाउंड का नाम नहीं लिख रही, पहले आप समझो, कोई भी कंपाउंड, सब्सटेंस, मॉलिक्यूल जो बना बोल लो, जब इसको अपन वाटर में डालते हैं तो ये क्या देने लगते हैं, OH- आयन देते हैं। जबकि आपने एसिड के लिए पढ़ा था कि वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, किसमें, वाटर में देते हैं। और बेस का क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनको आप वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो वो OH- आयन देंगे, ठीक है। और ऐसे ही कोई कंपाउंड मान लो मैं ले लेती हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप देख रहे हो, दो पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू पार्ट्स आर विजिबल टू यू। एक सोडियम हो गया, एक हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, दो पार्ट दिख रहा है। तो इसको जब आप वाटर में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, NaOH को अगर आप वाटर में डाल दो, ये हो गया बीकर, ठीक है, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल जो था आपका H2O जो है, इसमें हमने NaOH को डाला तो ये ब्रेक हो गया और आपको कैसे आयन देने लगा, ये आपको मिल गया OH माइनस, Na प्लस होगा ऑफकोर्स और OH माइनस। तो ये आप देख पा रहे हो OH माइनस आयन मिल रहे हैं अपन को। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जब वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया जाए, अभी मैं ये कॉन्सेप्ट अरिनियस कही है कि ऐसे वो कंपाउंड जिनको जब आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया वो OH माइनस आयन देने लगे, करेक्ट है। ओके ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर द अरिनियस। अब इतने समझाने के बाद आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, अ कंपाउंड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव राइज टू हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ऐसे वो कंपाउंड जिनको जब आप वाटर में मिलाएंगे तो वो आपको क्या देना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइल आयन, या हाइड्रोक्साइड भी आप बोलते हो कोई प्रॉब्लम, हाइड्रोक्साइड आयन देना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्योंकि यही एक नेगेटिव आयन है जो वाटर में देते हैं डिजोल्व होने के बाद। तो देखो आप एक चीज आपको याद होगा, जब चाहे आप एसिड पढ़िए चाहे आप बेस पढ़िए, तो ये एसिड और बेस की जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी कॉन्सेप्ट, एसिड हो चाहे बेस हो, जो भी हम पढ़ते हैं, आप एक चीज उसमें कॉमन देख पा रहे हैं कि जो भी, चाहे वो एसिड का कंपाउंड हो चाहे बेस का कंपाउंड हो, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके बना है, ठीक है। तो आप ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या एग्जांपल दे दिया। ओके, सो ये तो देख लिया हमने, क्या हो गया, अरिनियस का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, कि हाइड्रोक्साइल आयन देता है। तो सिंपल से अगर मुझे कुछ ना याद रहे तो मैं सिर्फ एक चीज याद रहेगा आपको, तो आप लिख सकते हैं दोनों का डेफिनेशन, एसिड क्या होता है, अरिनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसिड क्या होता है, जो कि H+ होता है, H+ आयन देता है, किसमें H+ आयन देता है, वाटर में देता है, ठीक है। और बेस क्या होता है, जो कि OH- आयन देता है, ठीक है, किसमें देता है OH- आयन, वाटर में, दोनों ही कंडीशन किसकी है, वाटर में देते हैं, ये देता है H+ और OH-। तो जहां पर भी H+ दिख रहा है हमको या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि वो एसिड होगा, ठीक है, मतलब कि आप ये बोल लो, जहां पर H+ है या हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिड है,
और जहां पर OH है किसी भी कंपाउंड में मुझे OH दिख रहा है कहीं पर भी आगे पीछे, तो वो क्या है मेरा बेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखें, KOH। KOH जो है एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड। तो जो KOH है इसका नाम लिख दिया जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। सो KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन देखें कि जब हमने इसको किसमें डाला, वाटर में डिजोल्व किया। KOH को किसमें डाल दिया हमने, वाटर में। वाटर में मतलब मैं H2O बोल रही हूँ। ठीक है, वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ये आपको किस फॉर्म में मिल गया, K प्लस OH माइनस। ठीक है, अब आपको दिख रहा है OH माइनस, ऐसा तो नहीं कुछ अलग पढ़ लिया आपने। ये जो आप देख रहे हो OH माइनस आयन, यही शो करता है कि क्या है, किस टाइप का कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है, बेस है ये। तो कोई भी कंपाउंड में आपको OH लगा हुआ दिख जाए वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल। मान लो NaOH लिखा है, ये भी एक बेस हो गया, KOH लिखा है बेस हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, जितने याद आते जा रहे हैं मैं लिखते जा रही हूँ। ठीक है, आप बोलोगे तीन ही लिखे, तो ये मैग्नीशियम है, ये सारे जो है वो क्या है, बेस है। क्यों बेस है भाई, बेस का कारण अभी आपको मैंने बता दिया। बेस क्यों है, क्योंकि इनमें OH माइनस, OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर बेस इन नेचर। ओके, नाउ लेट अस राइट वन मोर एग्जांपल। क्या है, अभी आपको बहुत ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत है, तभी आपको रिएक्शन को कंप्लीट करते बनेगा। ठीक है, मान लो अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको जब आपने किसमें डाला, वाटर में, प्लस H2O भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे करके लिख रही हूँ मैं, देखो कभी भी एरो के ऊपर ऐसा लिखा रहता है, ऐसा होता है वो रिएक्शन उसके प्रेजेंस में हो रहा है। और अगर मैं यहाँ इसको प्लस H2O भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है आपका वाटर में, जब आपने इसको डाले तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, कैसे टूट गया ये, करेक्ट है, इस फॉर्म में टूटेगा। क्यों, क्योंकि टू है, कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, टू है। ठीक है, Mg के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो इस टाइप से टूटते हैं क्या आपके कंपाउंड, किसमें, वाटर में। तो दिस इज ऑल बेस। ठीक है, दिस इज जस्ट आई वांट टू शो यू, बिकॉज मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो कंपाउंड है वो सारे क्या है, बेसिक कंपाउंड, बेस है। जहां भी OH देखो, आप इतना समझ लो, 10th क्लास के लिए काफी ये समझना कि अगर OH का प्रेजेंस है तो बेस है। देखो बहुत सारे रीजन आते हैं, लेकिन उतने रीजन पे अपन को भी बात नहीं करना है। तो ये आपका बेसिक हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब बेस से जुड़ा एक और भी, एक और बहुत अच्छा सा नाम है, अल्कली। ये इस नाम को हमने जब हम एसिड पढ़ रहे थे तब भी ये अल्कली आया था। अगर आपको याद हो धोखे से तो आप देख सकते हो अल्कली क्या होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्कली, अल्कली क्या है, कि क्या थो? दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एक तो नहीं है दोनों। ठीक है, और लिख देते हैं अपन, और इट इज नॉट सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो अल्कली, अल्कली के बारे में आपको मैं क्या बता रही थी, क्यों ये डिफरेंट है बेस से, क्या डिफरेंस है, जो माइनर डिफरेंस है वो दोनों में एक चेंज ला देता है, क्या है अल्कली। तो जो वाटर वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, कैसे बेस, वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल होंगे जो, किसमें सॉल्युबल होंगे, जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे, ऐसे बेस जो कि पानी में घुल जाएं। ठीक है, जो कि वाटर सॉल्युबल बेस हों उसे हम अल्कली कहते हैं। सारे बेस तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो कौन से बेस जो कि वाटर सॉल्युबल बेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके अल्कली कहलाएंगे। आप याद रखिए, देखिए दो पार्ट हो सकते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, हर सारे बेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर मेरे कहने का ये जो इतना सारा लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो बेस है एक तो होगा सॉल्युबल वाटर में और एक होगा इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबल बेस होता है ना, ये वाला जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको, ये जो सॉल्युबल बेस है, ये सॉल्युबल बेस को ही अल्कली कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगर हम ये कह रहे हैं स्टेटमेंट कि ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है उनको अल्कली कहा जाता है, करेक्ट बात है, तो क्या होगा, ऐसे बेस जो है वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये अल्कली का रिएक्शन है। इफ बेस इज सॉल्युबल इन वाटर, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ अ बेस। और बेस जो है वो लिटमस टेस्ट में क्या देता है, क्या करता है, रेड को ब्लू में कर देता है, और ये भी कर रहा है। ठीक है, और एक्वस मीडियम में कौन, अल्कली, अल्कली एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अल्कली ऐसे बेस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस के दो फॉर्म बता दिए, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल बेस होगा उसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, उसका अल्कली बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेस का एक फॉर्म है। तो लिटमस टेस्ट सिंपल सी बात क्या देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और एक्वस मीडियम में वाटर में अगर इसका अल्कली का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया जाए
तो ये आपको क्या देगा, एसिड सॉरी रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्कली क्या देगा आपको, सॉल्ट और वाटर देगा. अल्कली विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो क्या मैं बोल रही हूँ जो वो सच है कि नहीं है, एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल अगर अपन ये देखें कि NaOH, NaOH इज अ बेस. कैसा बेस है ये, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो आप इसको अल्कली भी बोल सकते हैं. तो NaOH का रिएक्शन अगर मैं एसिड से कर रहा हूँ, कि हम यही बोल रहे हैं कि अगर अल्कली एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, तो हम देखते हैं देता भी है कि नहीं सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, ये किया मैंने अपने रिएक्शन स्टार्ट. ओके, तो ये जो है आपका NaOH ने ढूंढ लिया अपने माइनस वाले को, प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. बिल्कुल सही बात है, सॉल्ट मिलता है एंड दिस इज NaCl इज व्हाट, दिस इज सॉल्ट. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, वाटर. दैट मीन्स द स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, प्रोचार्ट करेक्ट है, सॉल्ट और वाटर मिलता है. ठीक है, ठीक है. यू कैन सी दैट दिस NaOH, क्योंकि मैं यही कह रही थी आपसे, मैं को यही एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ये जो बेस है आपका, बेस बेस जो है एसिड से रिएक्ट करता है, ये बेस है. ठीक है, ये क्या है, एसिड है. अब मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर बेस अगर कोई बोले NaOH जो है बेस है, कोई बोलेगा बेस नहीं अल्कली है, तो कैसे अल्कली क्यों आप उसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो NaOH है ना, ये क्या है आपका, सॉल्युबल है वाटर में, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो उसको आप अल्कली भी कह सकते हो. ठीक है, चलो. तो इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर. और आप एक चीज हमेशा याद रखिए, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन, ये जब मिलते हैं आपस में तो कौन सा रिएक्शन करते हैं, आपको मैंने एसिड में भी बताया है, ये जो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टुगेदर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रल कर देता है, एसिडिटी का एग्जाम्पल आपको मैंने बताई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. पूरे चैप्टर में यही है, बस छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको समझना है. ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि आपको एसिड और बेस समझा दी हूं, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहती हूँ. लेट मी डिस्कस बेस फर्स्ट, देन आई विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन एट लास्ट. ठीक है, अल्कली के बारे में हम लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे, आपने कितना समझा भी समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस. किसके बेसिस पे कर रहे हैं, याद आ रहा है कि नहीं आपको, डिसोसिएशन के बेसिस पे. ठीक है, ओके. तो अगर बेस का क्लासिफिकेशन आप देखो तो ये फिर से दो टाइप के हैं आपके. एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, बेस की भी कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड की है, स्ट्रॉन्ग बेस. और दूसरा होता है वीक बेस. क्लियर, तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा, मतलब ज्यादा एच प्लस आयन देगा. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, हाईली आयनाइज, गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन. इसका आप क्या लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, यू कैन राइट हाईली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड एंड गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH माइनस आयन्स. ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल अगर हम देखें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे बेस हैं, CaOH होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देखो जिसको किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, होल्ड ट्वाइस ये आ जाएगा आपको समझ में बाद में, धीरे जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये 2, 3, 4 क्यों लगा रहता है बेस में. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ व्हाट इज वीक, एक याद है दूसरा आप लिख लोगे, ये क्योंकि हाईली आयनाइज है, ज्यादा OH माइनस, ज्यादा नहीं मतलब कम्प्लीटली, इट विल ब्रेक कम्प्लीटली, पूरी तरीके से टूट जाएगा. और किस ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाईली आयनाइज है ये. और वीक में क्या है कि स्लाइटली आयनाइज, स्लाइटली आयोनाइज्ड. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका. ठीक है, देखो स्लाइटली आयनाइज का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, स्लाइटली आयनाइज इसका मतलब इसका जो मेजर पार्ट है वो अनडिसोसिएटेड होगा. इसका मतलब आप बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, इट्स मेजर पार्ट, इसका जो ज्यादा पार्ट होगा बेस का वो पूरी तरीके से नहीं टूटा होगा. ठीक है, मेजर पार्ट इज अनडिसोसिएटेड. ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें वीक बेस का, तो वीक बेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, NH4OH, NH4 अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuOH होल्ड ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड,
एल ओ एच होल ड्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा मेनी एग्जाम्पल्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड. ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखना है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. ठीक, अब मैं आपसे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन करना चाहती हूँ वो ये है, अंडरस्टैंड एंड लिसन इट वेरी केयरफुली. ठीक है, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि अरे ये जरूरत से ज्यादा बोल दी मैंने. ठीक है, ये लेकिन इतनी बेसिक बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ स्टेटमेंट रट लेने से केमिस्ट्री फिजिक्स से बायो का कोई मतलब नहीं. जब तक आप उस चीज को रीजन के बेसिस पे ना समझो, ठीक है, दिमाग ना लगाओ थोड़ा, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आती. सिर्फ रट लेने से आई डोंट लाइक इट. ओके, नाउ सी, मैंने आपको एल्कली पढ़ाया, अभी मैंने आपको बताया एल्कली क्या है. सॉल्युबल बेस को एल्कली बोला जाता है. ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज ऑल एल्कली करेक्ट, ऑल एल्कली आर बेसिस बट All bases are not alkali. ये क्या बोल रहे हैं यार, समझ लो फिर से. सारे alkali, जितने भी alkali इस दुनिया में, वो सब के सब क्या हैं, base. ठीक है, लेकिन जो base हैं, जो सारे base हैं, आप ये नहीं बोल सकते सारे base alkali होंगे, लेकिन सारे alkali base हैं. मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जितने भी alkali हैं, all alkali, ये क्या है, ये base है ये base. क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जो सारे बेस हैं वो एल्कली, सारे बेस हैं वो एल्कली नहीं. ये कैसी बात होगी, समझ गए आप, ये क्वेश्चन को समझ लो, फिर आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. देखिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, लेट मी राइट द स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ बोल रहे हैं और स्क्रीन पे कुछ नहीं है. ठीक है, so the statement should be in front of you. क्या इसका आंसर होगा. Now coming to the statement, statement को ध्यान से समझो. Bases may be soluble. मैंने आपको भी बताया जो बेस है वो या तो soluble हो सकते हैं या insoluble हो सकते हैं. बेस की दो फॉर्म हो सकते हैं, soluble, insoluble. ठीक है, तो बेसिस जो है soluble या insoluble हो सकते हैं वाटर में, लेकिन जो सिर्फ soluble बेस होता है, सिर्फ soluble, soluble बोल रही मैं, जो सिर्फ सॉल्युबल बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे अल्कली जो हैं वो क्या हैं, बेस होंगे, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि बेस जो है उसमें इनसॉल्युबल भी होगा. जो बेस है, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर समझ, जो बेस होगा, लेट मी क्लियर, जो बेस है उसके साथ दोनों कंडीशन है, या तो वो सॉल्युबल भी होगा वो इनसॉल्युबल भी होगा, दोनों काम है उसके पास. आपके पास तो एक ही रास्ता, दोनों रास्ते उसके पास, सॉल्युबल में भी जा सकते हैं, इनसॉल्युबल में जा सकता है. सॉल्युबल वाला बेस भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्युबल होगा सिर्फ सॉल्युबल वाले को ही हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे. इसका मतलब सारे अल्कली जो है वो क्या है, बेस है. ठीक है, ओके, लेकिन बेस जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल भी है, उसके साथ दूसरी कंडीशन भी है. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो अब इनसॉल्युबल वाले को तो आप अल्कली नहीं बोलोगे ना, ये नहीं कह सकते ना इनसॉल्युबल वाला भी अल्कली है. कैन वी राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉल्युबल वाला ही क्या होता है, अल्कली होता है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सारे बेस हैं आप ये नहीं बोल सकते कि वह अल्कली है, क्योंकि भैया अल्कली क्या होता है भाई, अल्कली होता है जो सॉल्युबल बेस हो. ठीक ठीक बात है, एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. एग्जांपल, एग्जांपल क्या बोल रहा है आपका, एग्जांपल बोल रहा है, देखो आप Na2O सोडियम ऑक्साइड एक बेस है. मैं ये कह रही हूँ कि Na2 जो है वो क्या है, बेस है, बेस. अब अगर इस बेस को Na2O को वाटर से इसका रिएक्शन करवाया जाए H2O के साथ, तो भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अपना बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बन रहा है. और हमने क्या बोले, सॉल्युबल बेस. ये कैसा बेस है, Na2 कैसा बेस है, सॉल्युबल बेस है. तो जो सॉल्युबल सॉल्युबल बेस है भाई, तभी तो NaOH बना रहा है ना. NaOH जो है वो किस टाइप का है, NaOH को अगर आप देखोगे, उसको मैं फर्दर अगर इसका आयनाइजेशन देखूँ, तो किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से होगा ये Na+OH-, पूरे तरीके से आयनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्युबल है. ठीक है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि hence, that's why we say hence, they are all alkali. इसीलिए सारे जो एल्कली हैं वो क्या हैं, बेस हैं. अब देखिए क्या ये जो बोला जा रहा है इतनी देर से, जो स्टेटमेंट इतना सारा लिखा है, वो क्या सिर्फ मैंने एल्कली के लिए लिखा है, बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए क्या है. Let's see more example. Now, like this was the first example.
दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप, पोटेशियम ऑक्साइड K2O रिएक्शन किया वाटर के साथ, क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा, KOH बनाएगा, KOH, ठीक है? अभी मैंने बैलेंस को नहीं किया, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये क्या बना ले रहा है? KOH बना ले रहा है। KOH का अगर फर्दर डिसोसिएशन लिखें अपन आयन के फॉर्म में, तो हाँ भाई के प्लस OH माइनस मिलता है, ठीक है, ओके। अब देखो ये सारे आप सॉल्युबल बेस की बात कर रहे थे, जो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जा रहे हैं, बेस के साथ जाके मिल जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी बात हो गई थी? सॉल्युबल बेस की बात हो गई थी। Fe3OH होल ट्राइस, ZN सब हाइड्रोक्साइड है, आयरन का हाइड्रोक्साइड है, जिंक का हाइड्रोक्साइड है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये वीक है, वीक भी बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे कैसे हैं? इनसॉल्युबल है वाटर में। मैं बोल नहीं रही हूँ सिर्फ, ये प्रैक्टिकल इसका अजम्पशन है, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल भी समझा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि ये वीक भी तो होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल तो हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है? रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, वाटर के साथ तो इनसॉल्युबल है भाई, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखो, लेट अस सी द एग्जांपल। हम बोल रहे हैं कि वाटर के साथ ये इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। कौन इनसॉल्युबल हैं? ये सारे Fe3, FeOH होल थ्राइस, ZnOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, ये सारे के सारे अगर आपको याद आ रहा होगा, अभी एकदम अभी अपन ने पढ़ा है कि क्या है, सारे वीक बेस वीक बेस हैं, तो ऑफकोर्स ये क्या है? वाटर में इंसॉल्युबल हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देख लो आप, बनता है कि नहीं बनता? FeCl3 है ना, इसके में आयरन के ऊपर 3+ चार्ज होता है, तो ये मैनेज करना पड़ता है, FeCl3 लिखना पड़ता है, प्लस H2O, इसको बैलेंस कर दिया जाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, ये हो गया, बना रहा है सॉल्ट, FeCl3 वाटर बना, यही हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारा जो मैं आपको स्टेटमेंट लिख रही हूँ या बता रही हूँ किसके लिए, इसी क्वेश्चन के लिए, कि जो सारे अल्कली हैं वो बेस हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है, और ये हम देख पा रहे हैं कि सारे बेस अल्कली नहीं है, कहाँ सॉल्युबल है, नहीं है सॉल्युबल, इसीलिए तो अल्कली नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए, ZnOH होल ट्वाइस प्लस HCl, क्या प्रोडक्ट बना लिया? खुद से सीखो प्रोडक्ट बनाना, राइट बाय योर सेल्फ। ऐसा क्या जादू हो जाता है जो आपको प्रोडक्ट लिखते नहीं बनता? मैं तो सब चार्ज बना दी, आपको बता दिए कैसे बनाना है प्रोडक्ट, बैलेंस इट, टू मॉलिक्यूल्स, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। देख ये भी क्या बना ले रहा है? सॉल्ट बना रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया कि रिएक्ट करते हैं इन लोग, इनसॉल्युबल बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन की बात करें तो ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं हो पाता, लेकिन अगर एसिड के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल बेसिस बट नॉट अल्कली। तो ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है? ये जितने भी बोल रहे हैं आपको, इन लोग इतनी सारी जो अपन बातें कर रहे हैं, ये सारे क्या है? अपन लिख दो, लेट अस राइट विद सम अदर कलर सो दैट यू कैन सी हाईलाइटेड। ये क्या है? They are all bases. ये bases हैं, सारे base हैं ये, but not alkali. Alkali नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है, ठीक है, लेकिन base हैं, ठीक है। So they cannot ionize क्योंकि OH minus has only an ion. बात समझ आ रही है? सिर्फ OH minus ion नहीं देंगे इन लोग, ये जो हैं आपके इतने सारे कौन कौन है? FeOH whole thrice है और ZnOH होल ट्वाइस हैं, इन लोग जो हैं आयनाइज होके, दे विल आयनाइज, दे कैन नॉट आयनाइज टू गिव, आई शुड से कैन नॉट आयनाइज टू गिव OH माइनस एज द ओनली एनायन, ठीक है। ये सारा क्या है? इसका रीजन है, तो रीजन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि इसके जिसपे बेस जितने सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि सारे अल्कली जो हैं वो बेस होते हैं
और सारे जो बेस होते हैं वो एल्कलीन नहीं होते हैं, उसी का ही इतना बड़ा डिस्कशन था ये जो आपने रिएक्शन देखे। ठीक है, आप रिएक्शन लिखते जाओ, रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी, जितने रिएक्शन लिखोगे आपकी उतनी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको उतना ज़्यादा लिखते बनेगा। ठीक है, अब एक चीज, आफ्टर स्टडिंग एसिड एंड बेस माई क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, एक और चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रही हूँ, आंसर भी मैं ही दूंगी आपको। मेटालिक ऑक्साइड किए हैं अपन एसिड के लिए सॉल्ट। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स, अभी हम दोनों को आप कंसिडर कर लो, किसको, एसिड और बेस दोनों को कंसिडर करके आंसर दो। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस। हम बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि जो मेटालिक ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्यों, क्यों बोलते हैं उसको, मेटल है तो एसिड होना चाहिए ना, तो बेसिक ऑक्साइड कैसे हो गया, देखो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि जब आपका मेटालिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल अपन ने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, इसको अपन डाल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर, मतलब द रिएक्शन ऑफ MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, इट विल गिव, देख लो आप क्या दे रहे हैं कि मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, ये देगा MgOH होल ट्वाइस। जब कभी भी वाटर का रिएक्शन करने में दिक्कत हो ऐसे समझा करो कि वाटर जो है ये बना किससे, यही है वाटर, यही है ना वाटर। ठीक है, तो ओके, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोडक्ट बन गया, आपके प्रोडक्ट का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। और यही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो MgOH होल ट्वाइस बना। ठीक है, क्यों मैं बोल रही हूँ बेसिक है नेचर, एसिड क्यों नहीं बोल रही भाई, क्योंकि इसीलिए आप इसको बेसिक बोल रहे हैं, इसके बेसिक बोलने का कारण ये है कि आप इसमें OH देख सकते हैं। ठीक है, क्या देख पा रहे हो इसमें, हाइड्रोक्साइड आयन अपन देख रहे हैं, सो नॉट आयन इट इज आयन। ओके, सो दिस वाज द आंसर। अब एक चीज और, अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल से बने हो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गए, तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा ना, आराम से एग्जाम्पल पढ़ा करो, खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे ना केमिस्ट्री उतनी ईजी होती जाएगी आपके लिए। ठीक है, जितना टेंशन लोगे काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, बनना है प्रेशर कुकर, जितना भी प्रेशर है ना उसको रिलीज करो, सिटी क्लियर, सो जस्ट रिलैक्स। मेटालिक कौन सा ऑक्साइड बोल रहे हैं अपन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे। ठीक है, ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सीजन, जैसे एक मेटल था Mg और ये उसका ऑक्सीजन था, तो हो गया मेटालिक ऑक्साइड। अब उसी तरीके से नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बोल रहे हैं ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, इसका भी देख लेते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं, ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। आई होप माई राइटिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं ये एसिडिक ऑक्साइड हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सी जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, CO2। ठीक है, CO2 होता है, तो CO2 जब है रिएक्शन करेगा H2O के साथ, बन गया H2CO3। हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन ये क्या है, ये हाइड्रोजन है भैया, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब क्या है वो, एसिडिक कंडीशन है, कैसा ऑक्साइड हो गया, एसिडिक हो गया। तो सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो देखो, अब ये एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, जब आप आंसर लिखते हो ना, आप तो कैसे, आप लोग की आदत क्या पड़ी है, आप लोग की आदत पड़ी है कि मैम ने लिखा क्वेश्चन और मैम ने लिखवा दिए चार पॉइंट आपको, और पढ़ लो, दो पेज का आंसर है, जितना बड़ा आंसर 5 मार्क्स का है, नंबर ऑफ वर्ड्स बता देते हैं आपको, योर आंसर शुड बी इन दिस वर्ड्स, और आप उस वर्ड्स के चक्कर में आप ऐसे लिख देते हैं, इतना लिखते हो आप, मुझे समझे तो क्यों इतना लिखते हो, आप लिखो वही जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए आप हैबिट डालो दैट योर आंसर शुड बी इन विच मैनर, पॉइंट वाइज। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं किसी को इसकी आंसर लिख रही हूँ, मैं ये आंसर है मेरा, तो मेरा पहला पॉइंट लिख दी मैंने ये बता दी कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ये बोल दिया आपने हवा में, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं आपको बार बार याद दिला दे रही हूँ, क्या पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कहाँ है आपकी केमिस्ट्री, ये जो स्टेटमेंट लिखा, अब इसमें तो आधे लोग इंग्लिश ढूंढेंगे कि मैम आपने ग्रामर यहाँ नहीं लगाई वहाँ नहीं लगाई, भाई आपका
जो देश है योर मेन एम इज नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, योर मेन एम इज टू शो द केमिकल रिएक्शन. आप जो कह रहे हो उसको आप रिएक्शन के टर्म में शो करिए, वही केमिस्ट्री. अंडरस्टूड? अगर आप नहीं लिखोगे रिएक्शन तो किस काम का, मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आप लोग क्लेम करते हो मार्क्स नहीं मिलते हैं. तो आप समझो आपकी आपके ड्रॉबैक क्या है, क्यों नहीं मिल रहे मार्क्स. अपनी गलती को जब तक नहीं ढूंढोगे समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है. तो ये जो है आपको रिएक्शन है. कभी भी आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट में लिखना. चटाई मत बिछाओ कि चेक करने वाले को भी लगे रहते हैं क्या बिछा के रखा, इतना लंबा कोई क्या पढ़ेगा. ऑलवेज प्रेजेंट योर आंसर, बिकम प्रेजेंटेबल स्टूडेंट. प्रेजेंटेबल आप समझ रहे हैं, आपका आंसर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए. और हर पॉइंट का केमिस्ट्री यही कहती है, अंडर एवरी पॉइंट यू शुड राइट केमिकल रिएक्शन. इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज देयर, ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शन विल बी देयर. तो केमिकल रिएक्शन अगर है भाई तो आप केमिकल रिएक्शन लिखिए. आप नहीं लिखेंगे केमिकल रिएक्शन तो वो आपका पॉइंट जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा. क्योंकि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर आपको कमेंट में कमेंट करने का मौका दिया ही है यूट्यूब ने, तो आप लंबी चौड़ी कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, ये नहीं है. तो आप इस चीज को समझिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोल रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड. कैसे पता चला आपको एसिडिक ऑक्साइड है, क्या स्टेटमेंट में लिखा इसलिए पता है? नहीं. वी हैव टू सी द प्रैक्टिकल आंसर. एंड हाउ कैन वी सी द प्रैक्टिकल आंसर? वी कैन सी द प्रैक्टिकल आंसर थ्रू केमिकल रिएक्शन. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट केमिकल रिएक्शन. कॉपी में, घर में जब गलत लिखोगे ना, तभी एग्जाम में करेक्ट लिखोगे. क्योंकि आप लिखते नहीं है, आपको ऐसा लगता है हमारे आंखों के अंदर ऐसी डिस्क है जो देख के, जो देख लिए तो कभी भूले ना, ठीक है. तो वैसा वाला कंडीशन नहीं करो जो फोटो खींच लेते हो. आप लोग फोटो नहीं खींचो. अंडरस्टैंड एंड राइट. सो दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट एसिडिक, आई शुड नॉट से एसिडिक, एसिड और बेस का ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका 10th क्लास. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है अभी. उतना ही पढ़ो जितना आपका लेवल है 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है. तभी आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे. सो दिस इज योर एसिड एंड बेस इंट्रोडक्शन, यू कैन से विद फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है. हो सकता है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अगर आपको वीडियो देखने के बाद कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये चीज और होना था या ये चीज में मुझे डाउट है अभी भी, तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक है. ये मैं भी आपको या कोई भी बंदा पढ़ाने वाला या मैं हूँ या आप किसी का भी वीडियो देखिए यूट्यूब में, ठीक है, अपने अंदर एक डाउट रह जाती है. तो डाउट रह जाती है इसका मतलब ये नहीं उस आगे वाले इंसान ने पढ़ाया नहीं, ठीक है. ये अच्छी बात है, ये आपके अंदर का क्वेश्चन है. तो दैट क्वेश्चन यू हैव टू प्रेजेंट. आप पूछिए, आप पूछो कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, इसका आंसर क्या होगा. तो आप क्या है ना, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप लोग बन जाते हैं टीचर. आप लोग हैं क्या टीचर, जिसका वीडियो देखे आप लोग क्या करते हैं, उसको जज करने लगते हैं. यू पीपल बिकम जज. और जब आप जज बन जाते हो ना, जिस दिन आप जज बन गए आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई, ठीक है. क्योंकि आप कुछ सीख नहीं सकते उस दिन. आपकी मेंटालिटी जो होती है वो ये होती है कि आई नो बेटर देन यू द पर्सन हु इज टीचिंग. और बात सिंपल थी, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो भला आपसे 1% ज्यादा जानता है, लेकिन आपसे ज्यादा जानता है, ठीक है. तो आप जज मत करो. अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप मत देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो, ठीक है. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. आई हैव गिवन ओनली एसिड एंड बेस का इंट्रोडक्शन इन दिस वीडियो. व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक घंटे का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखोगे 1 मिनट. तो यू कैन सी सॉल्ट एंड पीएच. आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो फॉर सॉल्ट एंड पीएच बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन सो मेनी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स. क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.